हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको यूनिट फर्स्ट का बी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, श्वसन यानी रिस्पायरेशन। और इसमें हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे मनुष्य के श्वसन तंत्र के बारे में, कि मनुष्य के श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं तथा उसका क्या क्या काम है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज के क्लास में हम आपको बताएंगे मनुष्य में श्वसन की क्रिया विधि जो है ये कैसी होती है, और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम समझेंगे कि जो स्थलीय जीव है उसमें सांस लेने के संदर्भ में अगर देखा जाए तो जलीय जीव के कंपैरिजन में अधिक लाभदायक स्थिति में कैसे है, उसको भी हम समझेंगे। तो देखिए, मनुष्य में श्वसन की जो क्रिया विधि है ये चार प्रोसेस के फलस्वरूप पूरा होता है। चार प्रक्रियाएं करनी पड़ती है तब जाकर मनुष्य में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो ये चार प्रक्रिया कौन कौन है? अंतः श्वसन, बाह्य श्वसन, कोशिकीय श्वसन और श्वसन गैसों का परिवहन। तो देखिए, इसमें चारों को बारी बारी से हम समझाते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले कि जो अंतः श्वसन है इसका मतलब क्या होता है। अंतः श्वसन का मतलब होता है शरीर के बाहरी वातावरण से, समझिएगा, हमारा बॉडी जो है उसके बाहरी वातावरण से, शरीर के बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को, ठीक है, ऑब्जॉर्ब करना, ऑक्सीजन को अवशोषित करने की जो प्रक्रिया है इसको हम क्या कहते हैं? अंतः श्वसन कहते हैं। हालांकि जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ और भी बहुत सारी गैसें जो वायु में उपस्थित है सब हमारे शरीर में प्रवेश करता है, लेकिन मेन पर्पस होता है हमें ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब करना, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन ही हम लिखे हैं। तो अंतः श्वसन का मतलब हो गया शरीर के बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को अवशोषित करने की जो प्रक्रिया है उसको अंतः श्वसन कहते हैं। तो सबसे पहले तो यही काम होता है, और फिर उसके बाद होता क्या है कि शरीर के कोशिकाओं में निर्मित, दूसरा प्रोसेस क्या होता है, शरीर के कोशिकाओं में निर्मित हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं उसके सेल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। तो शरीर की कोशिकाओं में निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालना, इस प्रोसेस को कहा जाता है बाह्य श्वसन। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर, शरीर के कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कैसे हो जाता है? हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड जो निर्मित हो गया उसको हमें क्या करना है कि शरीर से बाहर निकाल देना है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे बाह्य श्वसन। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है? तो होता है कोशिकीय श्वसन के फलस्वरूप। तो कोशिकीय श्वसन क्या है, आप इसको समझिए। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि जब हम सांस लिए रहते हैं तो ये जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन पहुंचता है हमारे कोशिका के अंदर, ऑक्सीजन हमारे कोशिका के अंदर पहुंचता है, और हमारे कोशिका के अंदर ग्लूकोज भी पहुंचा हुआ रहता है। यानी भोजन जब पचता है हमारे शरीर में, जब भोजन का पाचन होता है तो भोजन का मैक्सिमम पार्ट जो है पचकर ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, और ये जो ग्लूकोज है ये हमारे कोशिका के अंदर प्रवेश करके और कोशिका द्रव्य में मिल जाता है, कोशिका के अंदर प्रवेश करके ये कोशिका द्रव्य में मिल जाता है, कोशिका द्रव्य में शामिल हो जाता है। और इसी ग्लूकोज का जब हम लोग सांस लेते हैं ना, तो क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो देखिए, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, और जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन भी क्या होता है हमारे कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। तो ये ऑक्सीजन वो जब जाएगा ना कोशिका के अंदर तो इस ग्लूकोज का विघटन कर देगा, ग्लूकोज को अलग अलग खंडों में तोड़ देगा, और ग्लूकोज के विघटन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा, जल का निर्माण करेगा, और साथ ही साथ एनर्जी भी मुक्त होगा। यानी इसी समय ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलता है अधिक मात्रा में। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे जल का निर्माण हुआ जो शरीर के लिए उपयोगी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का जो निर्माण हुआ ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करने से, कोशिका के अंदर जब ऑक्सीजन गया ग्लूकोज से रिएक्शन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण हो गया। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, इसको शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका में से निकल कर और आएगा फेफड़ा में। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या होगा, कोशिका के अंदर से निकल कर आएगा कहाँ पे, फेफड़ा में।
ठीक है, कोशिका से निकल कर फेफड़ा में आएगा, और जब हम लोग सांस छोड़ेंगे ना तो फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो हम यही बताया ना कि शरीर के कोशिकाओं में जो निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड है उसको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, बाह्य श्वसन कहते हैं। अब कोशिकीय श्वसन का भी मतलब बता दिए कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो अंदर गया रहता है उस ऑक्सीजन को हम भेज देते हैं कि कहाँ चले जाओ, चले जाओ कोशिका के अंदर, और ऑक्सीजन कोशिका के अंदर चला जाता है। कोशिका के अंदर जाने के बाद वो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और फिर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का भी निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को, जो कोशिका के अंदर जो प्रोसेस होता है उसको कोशिकीय श्वसन कहते हैं। बट देखिए यहाँ पे अब दूसरी एक और सवाल क्या क्रिएट हो रहा है, जब हम लोग सांस लेते हैं ना, यानी जब अंतः श्वसन होता है, अंतः श्वसन, तो अंतः श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन जो है पहुँच जाता है फेफड़ा में। ऑक्सीजन कहाँ चला गया, ऑक्सीजन चला गया फेफड़ा में, यानी हमारे लंग्स में ऑक्सीजन चला गया। और फिर इसके बाद ऑक्सीजन जो है इस फेफड़ा से, ऑक्सीजन को फेफड़ा से कहाँ भेजना है, शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में भेजना है, शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में भेज देना है ऑक्सीजन को फेफड़ा से। कैसे जाएगा ये सवाल उत्पन्न होता है। और फिर कोशिकाओं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कोशिकाओं के अंदर क्रिएट हो चुका है, कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फल स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट हो चुका है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब कोशिका के अंदर से भेजना है कहाँ पे, फेफड़ा में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब फेफड़ा में आ जाएगा और हम लोग सांस छोड़ेंगे तब वो बाहर निकलेगा। तो ये दोनों की जरूरत है, यानी ऑक्सीजन को फेफड़ा में जो अंतः श्वसन के माध्यम से पहुंचा है उसको कोशिकाओं में भेजना है, और कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ है उसको फेफड़ा में भेजना है ताकि बाह्य श्वसन के माध्यम से वो बाहर निकल सके। तो इस प्रक्रिया को, माने ये जो भेजने वाला प्रक्रिया है, इसी को हम क्या कहेंगे, श्वसन गैसों का परिवहन कहा जाएगा। तो आइए अब आपको हम समझाते हैं श्वसन गैसों का परिवहन कैसे होगा। तो देखिए हमारे फेफड़ा में, समझिएगा पहले बढ़िया से, हमारे फेफड़ा में ब्लड पहुंचा हुआ रहता है, हमारे फेफड़ा में ब्लड आया रहता है, यानी रक्त, ब्लड आया हुआ रहता है। और ब्लड के बहुत सारे पार्ट होते हैं, ब्लड का एक हिस्सा आरबीसी भी होता है, रेड ब्लड सेल, और आरबीसी में एगो प्रोटीन पाया जाता है और इस प्रोटीन का नाम है हीमोग्लोबिन। आरबीसी में एगो प्रोटीन पाया जाता है जिसका क्या नाम है, हीमोग्लोबिन। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है इसमें बड़ा क्षमता होता है, हीमोग्लोबिन का एक अणु जो है ना ये ऑक्सीजन के चार अणुओं के साथ मिलने की क्षमता होती है, एगो हीमोग्लोबिन का अणु चार गो अणु के साथ संयोग कर लेगा। तो ये जो हीमोग्लोबिन हुआ है ये करेगा क्या कि ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, माने हमारे फेफड़ा में ब्लड है, ब्लड में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ब्लड में है, और हम जब सांस लिए, सांस खींचे तो ऑक्सीजन भी फेफड़ा में पहुंचा। तो ये ऑक्सीजन हुआ जाके ब्लड में मिलेगा, और ऑक्सीजन हुआ जो है ब्लड के हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगा, और ब्लड के हीमोग्लोबिन से जुड़ कर एगो नया पदार्थ बना देगा जिसका नाम है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन का निर्माण कर देगा, और ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो है ब्लड के साथ ही इसी रूप में शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाएगा। और हमें पता है कि हमारा ब्लड जो है ये शरीर के प्रत्येक कोशिका तक, शरीर के हर एक एक अंग तक पहुंचता है, जिसके कारण ब्लड के हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन में जाकर मिल जाता है, अब ब्लड के साथ पूरे शरीर की कोशिकाओं में पहुंच जाता है। अब फिर जो कोशिका के जब अंदर ये घुसता है तो ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन टूट जाता है और ऑक्सीजन इसमें से निकल जाता है, और ऑक्सीजन निकल कर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करने लगता है, और जो पहले से कार्बन डाइऑक्साइड साइड कोशिका में बना है वह कार्बन डाइऑक्साइड इसी हीमोग्लोबिन में आकर फिर से मिल जाता है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड वह पहले से बना है ना वही कार्बन डाइऑक्साइड वह क्या होता है फिर से आकर इसी हीमोग्लोबिन में मिल जाएगा, और हीमोग्लोबिन में मिलकर बना देता है एगो नया पदार्थ जिसका नाम है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जब बनता है तो इसी रूप में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड के साथ ही, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ब्लड के साथ ही वो फिर कहाँ पहुँच जाता है, फेफड़ा में चला आता है। अब फेफड़ा में आकर जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो बाह्य श्वसन के माध्यम से ये शरीर से बाहर निकल जाता है। तो सुनिए कितना आसान और कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो मनुष्य में श्वसन की क्रिया विधि इस प्रकार संपन्न होती है चार प्रोसेस के फल स्वरूप। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉइंट, ये जो टॉपिक है अच्छा से समझ में आया होगा। तो
अब इसके बाद एक और टॉपिक इस वीडियो में आपको समझाना है, और वो क्या है, तो वो टॉपिक है दैट जलीय जीवों में जो सांस लेने की प्रोसेस है और स्थलीय जीवों में, तो जो स्थलीय जीव है वो सांस लेने के संदर्भ में जलीय जीवों के कंपैरिजन में अधिक लाभदायक स्थिति में है। माने भगवान जो उसके अंग जो दिए हैं ना स्थलीय जीवों का, वो अच्छा दिए हैं जलीय जीव की अपेक्षा, लाभदायक स्थिति में है, फायदे में पड़ा है स्थलीय जीव। कैसे इस बात को हम कैसे कह सकते हैं, आइए इसको भी समझाते हैं। यहाँ लिखा गया है श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने के संदर्भ में स्थलीय जीव जलीय जीवों की अपेक्षा लाभदायक स्थिति में होते हैं, जिसके निम्नलिखित कारण है। तो देखिए, सबसे पहला कारण ये है कि स्थलीय जीव जो होते हैं ये वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, यानी हम लोग जो है वायुमंडल में जो ऑक्सीजन उपस्थित है उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, और वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होती है, ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है। जबकि जलीय जीव जो होते हैं ये जल में घुलित ऑक्सीजन को का उपयोग करते हैं, माने जल में जो घुला, जैसे जल का सूत्री होता है H2O, यानी इसमें ऑक्सीजन की मात्रा है, तो जलीय जीव क्या करते हैं कि जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिसकी मात्रा जो है वायुमंडल के कंपैरिजन में कम होता है, यानी वायुमंडल में जितना पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है जल में उतनी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं है, और जल में ही सांस लेना है, जल में ही घुलित ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करना है जलीय जीवों को। तो इस प्रकार वायुमंडल में चूंकि ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित है, इसलिए स्थलीय जीव जो है एक ये कारण हुआ जिससे वो लाभदायक स्थिति में है। दूसरी कारण अगर देखा जाए तो स्थलीय जीव जो है जिन अंगों के माध्यम से स्थलीय जीव ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मनुष्य क्या करता है, नाक के माध्यम से श्वसन को खींचता है, तो नाक का सतही क्षेत्रफल जो है वो अधिक है ना, माने नाक के जो दुगो छिद्र है जिसके माध्यम से श्वसन गैस प्रवेश करता है, उसका सतही क्षेत्रफल, उसका जो सरफेस एरिया वो अधिक है, और साथ ही साथ मनुष्य अगर चाहे तो अपने श्वसन अंग का सतही क्षेत्रफल को बढ़ा भी सकता है। तो चूंकि स्थलीय जीव में जिन अंगों के माध्यम से श्वसन ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब किया जाता है उसका सतही क्षेत्रफल बढ़ाने की क्षमता पाई जाती है, या उसका सतही क्षेत्रफल अधिक होता है, इसलिए मनुष्यों को या अन्य जीव जंतुओं को धीमे गति से सांस लेना पड़ता है, धीरहूँ धीरहूँ सांस लेगा तो काम चल जाएगा। लेकिन स्थलीय जीवों में जो सांस ऑक्सीजन ऑब्जॉर्ब करने वाला जो ऑर्गेन्स है जलीय जीव में जो ऑक्सीजन ग्रहण करने वाला जो अंग है उसका सतही क्षेत्रफल कम होता है, और उसमें सतही क्षेत्रफल बढ़ाने की क्षमता भी नहीं होती है, जिसके कारण उसे काफ़ी तेज़ी से मतलब जल्दी जो है सांस लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो स्थलीय जीव जो है जलीय जीवों की अपेक्षा अधिक लाभदायक स्थिति में माने जाते हैं। ठीक है, तो ये दो कारण ऐसे हैं जिसके सहायता से हम समझ सकते हैं कि स्थलीय जीव नेचर के द्वारा जो व्यवस्था किया गया प्रकृति के द्वारा उस सांस लेने के संदर्भ में स्थलीय जीव लाभदायक स्थिति में है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको पूरा समझ में आया होगा। आज हम इतना ही रहने देंगे, और अगले वीडियो में हम आपको श्वसन चैप्टर का, यानी ये वाला जो चैप्टर है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, जो इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसका प्रैक्टिस कराएंगे, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा।